अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक मुंबई किचन डिलीशियस रेसिपी में। आज हम बनाने वाले हैं आलू गोभी मटर की सब्ज़ी। इतना स्पेशल और इतना डिलीशियस आज मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे बनाया जाता है और इसके अंदर हमें क्या मसाले डालने हैं और क्या नहीं। आलू गोभी मटर की सब्ज़ी तो आपने बहुत खाई होगी, बस इसे मेरी तरीके से बना के देखें तो लोग उंगलियाँ चट कर करके खाएंगे और लोग आपकी तारीफ़ों के पुल बांध देंगे। तो जी, मेरे चैनल पे वेज के रिलेटेड बहुत सारी वीडियो है, आप वहाँ पे भी देख के कुछ अच्छा सा प्यारा सा बना सकते हैं। तो चले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी की। बहुत ही डिलीशियस ये बना हुआ है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें मेरे तरीके से एक बार। तो स्टे विथ मी। तो चले जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। यही हमारे जादुई मसाला है, इसे हमें पेस्ट बनाना है। आप अच्छे से देख ले इसके अंदर, और क्वांटिटी चाहे जितनी भी हो आप घबराएं ना, बस इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। तो जी, यहाँ पे मैंने ऑयल रख ली हूँ, इसमें मैं थोड़ा सा मेथी दाना ऐड करूँगी और इसको थोड़ा सा हम गर्म कर लेंगे। आप ऑयल अपने अकॉर्डिंग रखें, जितनी आपकी सब्ज़ी है उसके हिसाब से रखें। तो जी, यहाँ पे हमारा मेथी अच्छे से चटक गया है, इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जो गोभी है। गोभी को मैंने बहुत ही अच्छे से वॉश कर ली हूँ, इसके अंदर कीड़ा भी होता है। तो अब इसको थोड़ी देर के लिए पानी में भी रख के अच्छे से पूरा वॉश कर लें, और इसमें मैं जितना आपको आलू डालना है उतना आलू डाल लें। बस इसको एकदम तड़का दे के हम ऑयल के अंदर गोभी और आलू को भून लेंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो जी, यहाँ पे हमारी आलू गोभी फ्राई हो रही है। आप ध्यान से फ्राई करें क्योंकि थोड़ा सा ऑयल ऊपर भी आता है। तो स्लो फ्लेम पे ढक के बनाएं, और इसके अंदर आप चाहे तो थोड़ा सा नमक भी सॉल्ट भी ऐड कर दें इसके अंदर, बस थोड़ा सा ऐड करें, ज़्यादा ना ऐड करें, और इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे मैंने गोभी और आलू अच्छे से फ्राई करके निकाल दी हूँ। अब इसमें हम वो जो पेस्ट बनाए थे ग्रीन मसाले का, ये पूरा ऐड कर देंगे इसके अंदर, और थोड़ी सी हल्दी डाल के और नमक डाल के इसको मिक्स कर देंगे बहुत ही अच्छे से इसको, और थोड़ा सा पानी भी ऐड करके हमारे मसालों को भून लेंगे, इसका कच्चापन ख़त्म कर देंगे। इतना हमें इसको पकाना है हमारे मसालों को। पे हमारा मसाला देखिए थोड़ा सा भून गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 4 मीडियम साइज का टमाटर, और इसको मैं ऐसे ही रखूंगी एज इट इज़। आप चाहे तो कैसे भी इसको कट करके रखें, मैं इसको थोड़ा सा हीट दूंगी, 2 मिनट या 4 मिनट का हीट दूंगी, तो ये अपने हीट में ये सॉफ्ट हो जाएगा टमाटर। फिर इसको हम प्रेस करके इसको और इसको मिक्स कर लेंगे। तो आप देखें मैं कैसे बना रही हूँ। तो आप भी इसको, ये भी बहुत ही अच्छा टिप है, आप इसको जल्दी से बनाना है तो ऐसे करके बनाएं। देखिए, यहाँ पे मैंने लीड लगा के रख दी थी 2 से 4 मिनट। इसके बाद देखिए सॉफ्ट हो गया है एकदम टमाटर। आप चाहे तो इसकी स्किन निकाल सकते हैं, या फिर एज इट इज़ इसको हम प्रेस करके इसको पूरा अच्छे से टमाटर को मिक्स कर सकते हैं। तो इसको मिक्स करते हैं।
पूरा करने के बाद अच्छे से मैं इसको भून लूंगी और इसके अंदर से सारा ऑयल निकाल दूंगी। जब ऑयल निकल जाएगा तो समझो कच्चापन खत्म हो चुका है मसाले का। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ जो गोभी और आलू हमने फ्राई करके रखे थे स्टार्टिंग में, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। अच्छे से 2 से 4 मिनट तक इसको पूरा मिक्स करेंगे मसालों को हमारे गोभी के अंदर। हमारी सब्जी देखें बहुत ही अच्छे से भून चुकी है, इसके अंदर से ऑयल भी आ गया है अपना। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वटाना। मुंबई में इसे वटाना बोलते हैं, मटर बोल लें चाहे कुछ भी बोल लें, बस इसमें मैं ऐड करके इसको आपको जितनी क्वांटिटी में ऐड करना है उतनी क्वांटिटी में ऐड कर दें। मेरा ये 1/2 kg से थोड़ा सा कम है तो यहाँ पर मैं इसको ऐड करके पूरा मिक्स करूँगी और इसको भून लूँगी 2 से 4 मिनट तक और इसके वटाने के अंदर हमारे मसाले मिक्स हो जाए। फिर इसके अंदर हम ग्रेवी लगाएंगे हमारे आलू और गोभी को पकने के लिए। तो 1 गिलास पानी मैं इसमें डाल दूंगी और उसको लिड लगा के रख दूंगी ये जब तक हमारा आलू सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद हम जी यहाँ पे मैं 15 से 20 मिनट तक आलू को अच्छे से पका ली हूँ लीड लगा के। ये पूरा धुएंदार बहुत ही यम्मी और डिलीशियस बन चुका है। आप चाहे तो इसमें ग्रेवी लगा सकते हैं, नहीं तो मुझे तो बस इतना ही रिक्वायरमेंट है तो मैं ग्रेवी नहीं लगाऊंगी। आप चाहे लगाना चाहते हैं तो 1/2 ग्लास पानी डाल दें और इसको बॉयल कर लें, उसके बाद इसमें धनिया ऐड करके गर्म गर्म सर्व करें अपने प्यारों को। तो चलिए आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा फाइनल लुक है। आलू गोभी मटर की सब्जी मैंने आपसे शेयर कर ली हूँ, ये इतना डिलीशियस बना हुआ है। इसे चपाती गर्मा गर्म नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं और राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप चाहे तो ब्रेड पाव के साथ भी खा सकते हैं, आपकी चॉइस है। आप इसे ज़रूर बनाएं, ये बहुत ही प्योर वेजिटेरियन के हिसाब से मैंने बनाई हूँ। तो जी ये बहुत ही प्योर वेज सब्जी मैंने आपके लिए पेश की हूँ मुंबई किचन की तरफ से, और आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और मेरे चैनल पे वेज के रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियो है तो आप वहाँ पे भी देख के बना सकते हैं बहुत अच्छा अच्छा खाना। और मैं बहुत ही कम मसालों में बताती हूँ तो आपको नमक मिर्च और ऑयल आप अपने अकॉर्डिंग रखा करें जब भी मेरी रेसिपी बनाएं ट्राई करें। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर से आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आपको हमारी वीडियो मिलती रहे बिना किसी प्रॉब्लम के। और आप लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स के जो हमारी फैमिली मेम्बर्स बन चुके हैं, उनका दिल से शुक्रिया कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो अगर से आपको कोई रिक्वायरमेंट है तो हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं तो मैं ज़रूर आपकी रेसिपी ट्राई करूँगी। और चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए रेसिपी के साथ। बहुत ही इजी वे में मैं आपके लिए रेसिपी लेके आऊँगी। हमें अपनी दुआओं में याद रखें, अल्लाह पाक आपको भी हमेशा खुश रखें और आप भी लोगों की बहुत हेल्प किया करें जो गरीब हैं, जो ज़रूरतमंद है एक्चुअल में उनकी हेल्प किया करें बिना किसी स्वार्थ।
थैंक यू वेरी मच अभी तक हमारे वीडियो वॉच करने के लिए। सब्सक्राइब प्लीज़।